अपना परिवार है। आप लोग नमस्ते। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और अभी इस समय 4:30 बज रहा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि आज एक जो मंदिर है, मतलब आप जो लोग बाहर के होंगे, जो लोग मेरी सिटी के लोग होंगे, जो लोग नहीं होंगे मेरी सिटी के, वो लोग शायद ना समझ पाए, पर मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ मेरी सिटी में डिग्री कॉलेज चौराहा ना, डिग्री कॉलेज चौराहे पे पहलवान वीर बाबा, हाँ डिग्री कॉलेज चौराहा है मेरे यहाँ रायबरेली सिटी में, वहाँ पे पहलवान वीर बाबा है। और वहाँ वो मतलब जो मंदिर है वो शंकर भगवान का मंदिर है, ठीक है। तो वहाँ पे आज फल वितरण होना है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे हम और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, और वहाँ पे कई लोग आएंगे, राजनीति से हैं, मतलब सब लोग हैं, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, पर आप लोग वीडियो में बने रहो। अभी बस तैयार होके मैं लोग, हम लोग निकलने वाले एक आध घंटे बाद। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग तैयार होके गेट पे आ चुके हैं, और यहाँ पे तेजस भी मेरे साथ रेडी हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरा बड़ा वाला लड़का नहीं जाता है वो कहीं, और मैं कई बार अपने ब्लॉग में बताई हूँ कि वो जाता है पर इंजॉय करने वाली जगह पे जाता है, वो ऐसी वैसे मतलब ऐसी जगह हर जगह पे वो जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा रिजर्व नेचर का है, और उसको ना जैसे बुक्स वुक्स से और इस टाइप का है, मतलब उसको किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार है, और उसको मतलब बहुत मतलब गंभीर स्वभाव का, मैं कैसे बताऊं। और जो तेजस हैं वो थोड़ा चंचल स्वभाव के, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आए हैं डिग्री कॉलेज चौराहा, और यहाँ पे होना है फल वितरण। तो अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं शिव मंदिर पे, यहाँ पे शिव भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पहुँचते हैं, और फटाफट जो भी होगा हम थोड़ा बहुत ब्लॉग में जितना शूट कर पाएंगे शूट जरूर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हम पहुँच चुके हैं, और मैं आपको क्या बताऊं यार, शब्दों में बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे मेरा बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, और ये बिमलेश दीदी हैं, ये खुशी सेवा संस्थान की अध्यक्ष हैं, और सबसे पहले मुझे वेलकम करने के लिए सबसे पहले मुझे बिमलेश दीदी ही मिली, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। और यहाँ पे ये नीतू मैम है पीछे जो खड़ी हैं, और मैं आपको बता दूँ काफ़ी इसमें महिलाएँ जो थी वो NGO से, इन्हीं की NGO में सब लोग जुड़ी हुई थी, वो सारी महिलाएँ भी थी। और दीदी जो हैं ये काफ़ी समाज के लिए वर्क करती हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। लोग अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, पर समाज के लिए करना ये बहुत बड़ी बात है। और फ्रेंड्स जैसे मैं पहुंचती हूँ, मैं जैसे एंट्री करती हूँ सब लोग से मेरा मुलाकात होता है, और उसके बाद मैं जस्ट ही तुरंत पहुँच करके पहले भगवान जी का आशीर्वाद ली, और यहाँ पर आरती की थाल रखी थी, तो वो आरती की थाल ली हम हस्बैंड ने, दोनों लोग ने लिया। और फिर यहाँ पे पंडित जी ने मेरे हस्बैंड को टीका लगाया और आशीर्वाद दिया। फिर यहाँ पे पंडित जी से आशीर्वाद लेने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग थे, फिर थोड़ा मतलब सब लोग ने सोचा कि मेरे साथ मतलब थोड़ी सी क्लिप हो जाए, सेल्फी हो जाए, तो फिर मैंने थोड़ा सा वहाँ भगवान जी का आशीर्वाद फिर से लिया एक बार। और आशीर्वाद लेने के बाद कुछ फ़ोटो वोटो क्लिक हुई, और उसके बाद ये बब्बी भैया हैं ब्राउन मतलब टी शर्ट में जो आप देख रहे हैं, ये भी भगवान में एकदम भक्त रहते हैं, और ये इनकी भाषा जो है ये बहुत मतलब क्या मैं बोलूँ, जैसे होते नहीं शायरी वाली भाषाओं का यूज़ करते हैं, अच्छा लगता है इनसे कन्वर्सेशन करना। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये महिलाओं को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, यहाँ तक कि मैं भी जाती हूँ तो वो बहन ही जैसा संबोधन करते हैं। सबसे बड़ी बात तो मुझे जाती है जब कोई बहन बोलता है तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। छुप जाएगा।
और फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाहूँगी, यहाँ पे आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और मैं आप लोग से ये भी कहना चाहूँगी कि भगवान का आशीर्वाद और आप लोग का साथ ने ही मुझे आज जो कुछ बनाया, सब आपके साथ ने और भगवान के आशीर्वाद ने ही बनाया है। और मैं इसका पूरा श्रेय देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ना होते तो शायद आज सृष्टि यहाँ पर ना होती। और मैं किसी लायक बनी हूँ तो वो आप लोग के सपोर्ट से ही बनी हूँ, ये तो एकदम 100% है। आपको मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स, जब मतलब मेरी नज़र अपने कमेंट पे जाती है और मैं जब देखती हूँ कि मतलब लोगों के पास 10-5% पॉजिटिव कमेंट आते हैं, पर मेरे पास मतलब हज़ारों की संख्या में पॉजिटिव कमेंट आते हैं और लोग इतना भर भर के दुआएँ देते हैं, तो वो जब दुआएँ हम देखते हैं ना, तो लगता है कि हाँ यार, आप लोग ने मुझे बहुत साथ दिया, बहुत कुछ बना दिया मुझे। और फिर आप लोग से देखिए, यहाँ पे बात करते ही करते यहाँ पे फल वितरण भी शुरू हो गया। पता नहीं यार, आप लोग से बात करने लगते हैं तो टाइम ही कैसे बीत जाता है। मम्मी का दानी क्या देखो सामने, ये तो मेरा है। खाना का खाना बना रहे हैं। आप फ्रेंड्स कैमरे में देख सकते हैं, ये जो भैया है फल का, वो जो दे रहे हैं मेरे हस्बैंड को, ये हरिओम सुनकर भैया हैं। और ये मतलब आप बिली मानिए, हर साल सिटी में मतलब भंडारा कराते हैं और उसमें अच्छा खासा फल वितरण कराते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे शैलेन पटेल जी जिला अध्यक्ष अपना दल से आए थे और उनका भी बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। और भैया से यहाँ पे आने से मुझे उनसे भी एक मुलाकात करने का मौका मिला। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मतलब जब आप कहीं जाते हो ना, पहले तो यार मैं कहीं निकलती नहीं थी, अब जब निकलती हूँ ना तो नए नए लोगों से मतलब परिचय हो रहा है धीरे धीरे, बाहर थोड़ा सा लोगों को देख रही हूँ, समझ रही हूँ। और नहीं तो पहले क्या रहता था, किसी को मैं जानती ही नहीं थी, तो अच्छा लगता है कि थोड़ा बहुत हमें भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो रहा है। अरे रहो तुम तो भैया ना, नहीं जा रहा सही से। भैया उधर फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे फल वितरण हो चुका है और यहाँ पे जो एहसास हुआ वो मतलब वो एहसास हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। और यहाँ पे सारा कार्यक्रम लगभग खत्म हो चुका है।
और यहाँ पे कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद सीधा भगवान का फिर से मैंने एक बार आशीर्वाद लिया और भगवान से बस यही प्रार्थना की, भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया, आपने बहुत आशीर्वाद दिया, बस सदैव ऐसे बनाए रखना। और फ्रेंड्स आप लोग ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और बस फिर सीधा वहाँ से मैं निकल जाती हूँ और सीधा अब घर पहुँचती हूँ मैं।